आज पढ़ने जा रहे हम वायरस का लाइटिक साइकिल। वायरस की लाइटिक साइकिल में 6 स्टेप है। फर्स्ट इज द एडसॉर्प्शन, सेकंड पेनिट्रेशन, एंड थर्ड स्टेप इज आपके कन्वर्जन ऑफ द होस्ट सेल विद प्रोटेक्टिंग सेल, एंड नेक्स्ट इज द सिंथेसिस ऑफ द डीएनए न्यूक्लिक एसिड, एंड लास्ट इज असेंबली, एंड फाइनल इज रिलीज। इस डायग्राम की सहायता से हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, फर्स्ट स्टेप इज एडसॉर्प्शन। वायरस है वो इस बैक्टीरियल सेल पे अपनी पूंछ कोड पे चिपक जाता है, मतलब इसके जो सेल वॉल है उस पर चिपक जाता है, उससे कहते हैं एडसॉर्प्शन। सेकंड है पेनिट्रेशन। इस पेनिट्रेशन मतलब इसके डीएनए का ट्रांसफर होने में एक एंजाइम यूज होता है लाइसोजाइम। वो क्या करता है कि ये आपकी बैक्टीरिया वॉल होती है, सेल वॉल, उसको गला देता है, मतलब छिद्र बना देता है, जिससे डीएनए उसके अंदर ट्रांसफर हो जाता है। जो वायरस होता है उसके अंदर एक नलिका होती है, उससे डीएनए होता हुआ आपके इसके अंदर रिलीज हो जाता है, मतलब अंदर आ जाता है। थर्ड स्टेप था आपके कन्वर्जन ऑफ द होस्ट सेल प्रोटेक्टिंग ऑफ द डीएनए, मतलब इसके अंदर जो बैक्टीरिया का डीएनए है और जो अपने फेज का डीएनए है वो पूरी इस बैक्टीरियल सेल को कंट्रोल में कर देता है, जिससे इसके अंदर दो फेज है, उसको दो भागों, दो फंक्शन होते हैं उसकी, जो बैक्टीरियल सेल के अंदर होने के बाद, अंदर आने के बाद फेज सेल के दो कार्य होते हैं, डीएनए के दो कार्य होते हैं। फर्स्ट इज द अर्ली फंक्शन, सेकंड इज द लेट फंक्शन। अर्ली फंक्शन में क्या होता है कि बाद में क्या होता है कि दो आपको फंक्शन बताए थे, अर्ली फंक्शन एंड लेट फंक्शन। अर्ली फंक्शन में क्या होता है कि पूरी बैक्टीरियल सेल को कंट्रोल कर देता है और अपना डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए से एमआरएनए का प्रोडक्ट मतलब बनाने का स्टार्ट करता है। और जो आपके लेट फंक्शन, उसका क्या काम है, मतलब उसका ये काम है कि आपके प्रोटीन का सिंथेसाइज करना, ये उसका वर्क है। बाद में फोर्थ सिंथेसाइज ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसाइज इस प्रकार होता है कि डीएनए का पहले रेप्लिकेशन होता है, इससे एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से एमआरएनए बनता है, और एमआरएनए का जब ट्रांसक्रिप्शन होता है उससे प्रोटीन का निर्माण होता है, और प्रोटीन जो कोड करता है और प्रोटीन की चेन बनती है, इसी प्रकार डीएनए और आरएनए के अपने रेप्लिकेशन प्रतिकृति रूप निर्माण हो जाता है। और फिफ्थ जो आपके स्टेप था उसको असेंबली, उसमें क्या होता है वो देखिए आप। जो आपके प्रोटीन और जो आपके डीएनए का निर्माण होता है, जो आपके डीएनए और प्रोटीन वो जुड़ के एक न्यू वायरल बॉडी बनाती है, और लास्ट जब था रिलीज ऑफ द असेंबल फेज पार्टिकल्स। अब इसमें ये एक एंजाइम यूज होता है लाइसोजाइम एलिन, जो क्या करता है इस व्यक्ति को वलन कर देता है, जिसके कारण व्यक्ति पूरी मृत हो जाती है, मतलब मर जाती है, जिससे वायरल डीएनए रिलीज हो जाती है। 25 मिनट में आपके 200